नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मैं हूं सचिन वर्मा। शादी के नाम पर धोखे की बहुत सी कहानियां आपने सुनी होगी। पैसे के लालच में काम आजकल बेहद ही फल फूल रहा है। ऐसा ही एक मामला कुछ दिन पहले सामने आया यूपी के कानपुर का, जहां बताया गया कि शादी के 11 घंटे के बाद ही दुल्हन ससुराल से फरार हो गई। लोगों को इस बात का पता तब चला जब कंबल हटाकर देखा और उसके नीचे दुल्हन की जगह उसका बैग और तकिया और पर्स रखा हुआ था। मामला कानपुर जिले के नजीराबाद थाना क्षेत्र का है। पिछले कुछ दिनों पहले पूरे रीति रिवाज के साथ ये शादी हुई थी। बारात विदा होकर कानपुर पहुंची थी। शादी में थके हारे सभी लोग रात को सो गए और अगले दिन सुबह जब घर की बड़ी बहू ने नहाने के लिए दुल्हन को आवाज दी तो कोई आवाज नहीं आई। इसके बाद जब बड़ी बहू ने कमरे के अंदर जाकर कंबल हटाया तो वो सन्न रह गई। कंबल में दुल्हन नहीं बल्कि तकिया, बैग और उसका पर्स रखा हुआ था। ये देख घर वाले चौंक गए और हैरान रह गए। घर वालों ने इसकी सूचना मायके और पुलिस वालों को दी। मामले में ये भी बात सामने आई कि जब विदाई हुई उसके बीच में दुल्हन फोन पर बार बार बात कर रही थी। घर वाले सोच रहे थे कि शायद दुल्हन घर पर बात कर रही है, लेकिन उसके बाद खुलासा हुआ कि दुल्हन ने घर पर तो कोई बात की ही नहीं। खबर के मुताबिक दुल्हन फरार होने के लिए ही किसी से फोन पर बात कर रही थी। घर वालों ने बताया कि दुल्हन 1.5 लाख के जेवर और 20,000 नगद रुपए लेकर भागी है। अब पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन अब ऐसे में सवाल है कि शादी के नाम पर आखिर ऐसे लोग कब तक फलते फूलते रहेंगे और ईमानदार लोगों को आखिर ऐसे चूना कब तक लगता रहेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, लेकिन बाकी अधिक खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।